तो कि आपके ट्रैक्टर के अंदर ये स्टेयरिंग आप देख रहे हैं ना भाई, ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप ना घर बैठे अपने ट्रैक्टर। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताइए। ये वाटर प्रूफ है। अच्छा, वाटर प्रूफ है, कोई भी किसी भी कंडीशन में चलेगा। आपका ट्रैक्टर है तो उस पर टायर कंपनी का ही, उस पर पूरा कई बार ट्रायल करने के बाद फिर। तो किसान भाई और राम राम भाई सभी को, मैं हूँ दिनेश याग और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रैक्टर्स। तो भाई आज आपके लिए ना एक ऐसी चीज लेके आए हैं जो कि आपके ट्रैक्टर के अंदर ये स्टेयरिंग आप देख रहे हैं ना भाई, ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप ना घर बैठे अपने ट्रैक्टर को अपने खेत में बड़ी आसानी से चला सकते हैं। मतलब कि आपका ट्रैक्टर जो है ना सेमी ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, और जब आप चाहें तो उसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और जब चाहें इसको स्टेयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। और भाई वीडियो अगर आप पसंद आए तो वीडियो को जो है ना लाइक कर देना। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, अपने पास भाई साहब है तो भाई साहब से अपने पूरा पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। तो भैया अपना नाम बताइए थोड़ा। नाम विशाल है। आपका नाम विशाल है। इस कंपनी में R&D डिपार्टमेंट से है। अच्छा, R&D डिपार्टमेंट से है आप। तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये आप देखते हैं जो ये प्रोजेक्ट है, इससे आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? ये पूरा प्रोजेक्ट जो है हम लोग को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। अच्छा, और कई मतलब ट्रायल के बाद फिर मार्केट में लाएंगे। अच्छा, दोबारा इसका मतलब ट्रायल भी हो चुका है ट्रैक्टर पे? इसका पूरा हमारे पास, हमारा खुद का ट्रैक्टर है तो उस पर टायर कंपनी का ही, उस पर पूरा कई बार ट्रायल करने के बाद फिर हमको जब रिजल्ट अच्छा लगा तभी। अच्छा, रिजल्ट इसका मतलब बढ़िया रिजल्ट एकदम आया। तो सर इसकी जो ना वर्किंग आप बताइए, ये किस तरह से इंस्टॉल होएगा और कैसे इसको जो अपने कंट्रोल कर सकते हैं? जी जी, तो जैसे ये मतलब ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम है, तो इसमें दो मोड है, एक मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटो मोड भी, एक ही स्टीयरिंग से। अच्छा, इसी एक ही स्टीयरिंग से अपने दोनों कर सकते हैं, ऑटो और मैनुअली। जी, तो जैसे ये ये स्टीयरिंग है तो जो भी आपका ट्रैक्टर है, किसी भी कोई भी ट्रैक्टर है, तो उसको रिमूव करने के बाद ये स्टीयरिंग लगा दोगे और ये स्क्रीन उस आपके ट्रैक्टर पे ही फिक्स होगा। मतलब ये जो है स्टीयरिंग जो है ये उस ट्रैक्टर के मेन स्टीयरिंग जो कंपनी ने दिया उसको हटा करके रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह ये लगेगा। हाँ जी, और ये ट्रैक्टर के ऊपर फिट हो जाएगा, सामने लगेगा। अच्छा, तो ये सामने लगने के बाद फिर ये इसमें दो एंटीना भी लगाते हैं हम। अच्छा, उसके बाद ये इस टाइप का कुछ मैप आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपको आपको अगर किस हिसाब से चलाना, आपका फील्ड किस अकॉर्डिंग है, रेक्टेंगल जिस भी शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। अच्छा, तो ये कई सारे शेप है, कर्व में हो सकता है, तो ये हर एक शेप में आप इसमें पहले बनाना पड़ेगा। आपको पाथ एक बार दे दोगे फिर वो ऑटोमेटिक वो लोड कर लेगा, लोड करने के बाद फिर वो उसी पाथ को फॉलो करेगा। मतलब ये कि अपने जो खेत है उसका पूरा मैप ये अपने अंदर जो है इंस्टॉल कर लेगा, हम उसको जब इसके अंदर डालेंगे। मतलब एक तरह से इसको पहले पाथ दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ये उसको स्टोर करके रखेगा। हाँ जी, तो जैसे एक लाइव डेमो कर दें। हाँ, तो जैसे अभी अभी ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट जैसे जहाँ पे हमारा अभी ट्रैक्टर है। हाँ हाँ, तो ए पॉइंट हमने दे दिया, यहाँ पे ए लिख के आ गया। बी पॉइंट थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेना पड़ता है। अच्छा, कि अब जैसे ट्रैक्टर को कहीं हम रोटेट करते हैं, अभी ये मैनुअल है मतलब ये कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है आपके कंट्रोल में। अब मैंने बी पॉइंट भी दे दिया। अच्छा, तो बी पॉइंट देने के बाद ये ऑटोमेटिक एक लाइन जनरेट हो जाएगा। अच्छा, तो ये लाइन बता रहा है कि ए और बी के रिस्पेक्ट में ये लाइन जो है रेड वाला जो लाइन है ये बता रहा है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो ये ट्रैक्टर जो है एकदम सीधे चलेगा, सीधा चलेगा। तो अभी ये आपके कंट्रोल में, आप करते हैं ऑटो कंट्रोल में, ऑटो स्टीयरिंग। अच्छा, ऑटो स्टीयरिंग, अभी ये ऑटो स्टीयरिंग में। अच्छा, और ये आप देखोगे, आप ये रेड लाइन पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। हाँ, ये लाल लाइन पे भाई ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है जो पाथ दिया था वो एकदम स्ट्रेट है ए और बी पॉइंट के बीच में। हाँ, अब अगर इसको अपने जो है मोड़ हो कहीं, क्योंकि खेत के अंदर मोड़ना तो पड़ेगा ये एक टाइम के बाद जब बाउंड्री खत्म हो जाती है, तो उसके लिए जो है पाथ कैसे इसको जो एडजस्ट करेंगे? तो अगर आपको लेफ्ट मोड़ना है तो इसके लिए ये है, राइट मोड़ना है तो उसके लिए ये है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ये। अच्छा, तो जैसे अगर अपने को राइट मोड़ना है राइट साइड में, तो राइट साइड पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये रोटेट होने लगेगा, ऑटोमेटिक रोटेट होने लगेगा और ट्रैक्टर जो है उसी तरह से मुड़ जाएगा। जी, और यहाँ पे जो ये हरे कलर का जो दिखा रहा है, हाँ, ये आपके ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी हम मशीन लगाए हो ये, हाँ, ये बता रहा है कि आपका कितना एरिया कवर हुआ। अच्छा, कवर और जो एरिया जैसे छूट गया, ये एरिया छूट गया, हाँ, तो ये भी बता रहा है, इससे ये पता चल रहा है इस मशीन से कि ये कितना एरिया छूटा है और कितना एरिया अभी बाकी है। अच्छा, इससे ये भी पता लग जाता है, मतलब जो कलर ग्रीन होता जा रहा है वो जो है एरिया जो है कंप्लीट इससे जो है मशीन ने कर लिया है। हाँ, जो और जो नहीं हुआ है, जो ग्रीन नहीं है, मतलब कि अभी उसका उतना करना अभी बाकी है। उसका उतना करना अभी बाकी है। तो ये इसकी जो है वर्किंग थी।
तो अब इसको ना इंस्टॉल करने का जो कॉस्ट वगैरह है उसके बारे में बताइए थोड़ा। इसका प्राइस जो है मतलब 4 लाख है। अच्छा। और 1 ईयर वारंटी है। अच्छा। और जो भी पूरा इंस्टॉलेशन के साथ ट्रैक्टर पे सेटअप करने के बाद 4 लाख में हो जाएगा। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी आप दोगे किसान को? पूरा का पूरा, उसमें उससे जो भी हमको लगेगा ट्रेनिंग के जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो सब पूरा हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, वो रिक्वायरमेंट भी इसकी जो है पूरी करेंगे आप। जी, तो इसके साथ आपने ये एक डिवाइस रख रखी है, ये किस चीज के लिए? वो दूसरा मशीन है। अच्छा, वो दूसरा मशीन है, इस प्रोजेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसकी कॉस्ट थी सर, भैया ने अपने को बताया। तो और इसके बारे में और डिटेल से बताइए कि इसकी, अगर 4 लाख रुपए तो बहुत होता है, अगर इसकी सब्सिडी की अपने बात करें तो वो सब्सिडी के लिए हमने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अच्छा। लेकिन अभी क्योंकि ये इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसलिए अगर गवर्नमेंट इस पे सोचता है तो जरूर देगा, बाकी अभी इस पे नहीं है। अभी इसके अंदर कोई सब्सिडी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया इस पे अप्लाई किया, मतलब गवर्नमेंट से बात चल रही है अभी तक इसकी। तो अगर गवर्नमेंट मान जाती है तो आइडिया से कितनी सब्सिडी इसके ऊपर मिल सकती है? अप्रोक्स 40 के आसपास तो मिली, 40% मिली सकती है। अच्छा, 40% की मिली सकती है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताइए। ये वाटरप्रूफ है। अच्छा, वाटरप्रूफ है, कोई भी किसी भी कंडीशन में चलेगा। अच्छा। और बारिश हुआ, किसी भी तरह का टेम्परेचर मौसम हुआ तो उस कंडीशन में भी, रोबस्ट कंडीशन में भी चलेगा वो, हर एक कंडीशन में भी, मतलब कंडीशन चाहे वेदर जितना मर्जी खराब हो, जितनी मर्जी धूल मिट्टी कुछ भी हो, तो मतलब इसके ऊपर कोई उस चीज़ का जो है असर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर जो है, आपने वारंटी के बारे में बताया ही कि इसके अंदर जो दिक्कत वगैरह कुछ आ जाती है तो उसको रिप्लेस करोगे या पूरा उसके अंदर भी आप जो है उसके सिर्फ उसको ठीक करोगे? नहीं, अगर पहले तो हम ठीक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसको रिप्लेस भी कर सकते। अच्छा, पूरा उसको रिप्लेस भी कर सकते उसके बाद जो भी, क्योंकि हमारा टीम है तो ये पूरा हमारे अंडर ही हुआ है, पूरा अंडर ही हुआ है। और किसानों के लिए भी भाई अच्छी चीज़ है, जो किसान इसको जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कई नई टेक्नोलॉजी जो इंडिया में है आ रही है लगातार, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। अगर ये आप इंस्टॉल करवाते हैं तो काफ़ी महंगी है वैसे तो, लेकिन जब इसकी सब्सिडी आ जाएगी गवर्नमेंट की तो हो सकता है ये आम किसान के भी जो है ये जो उसके पकड़ के अंदर आए वो भी उसको करवा सके, उसके भी जो है बजट के अंदर ये चीज़ आ जाए तो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो भैया आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की वीडियोस लगातार जो है आपको लगातार इस चैनल पर मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए।